पुरुषार्थ अनुसार यथासंभव, बच्चे जानते हैं अलग अलग पुरुषार्थ अनुसार। तो भाई की ऐसे महारथी है जो मुझे परमात्मा को इजेक्ट और एक्यूरेट भगवान के करीब ले जाने के लिए आए, क्योंकि ज्ञान विधि से सिद्धि प्राप्त होती है और भाई जी हमको ट्रेनिंग करा रहे हैं। कौन सी ट्रेनिंग? सिद्धि स्वरूप बनने की, विधि से सिद्धि स्वरूप बनना है। सिद्धि स्वरूप बनना मासी का धर्म नहीं, हम लोग जानते हैं, जैसे भाई जी ने पहले दिन बताया था कि कोई अघोड़ी होता है, मंत्र सिद्ध करता है तो कितना अभ्यास करता है। आपको ये भाग्यशाली तीन दिन मिले तो उस तीसरे दिन में सायकालीन जो भट्टी है उसको आप दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण घटना मान करके कि मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इस योग भट्टी की है, वो कोई निमंत्रण हो, कहीं आना हो, जाना हो, यथासंभव हम उसको इग्नोर करें और ये भट्टी करें, क्योंकि ऐसे अवसर बार बार नहीं आते हैं। और भाई जी ने, मैंने पहले दिन ही कहा था भट्टी के अनुभव के बाद कि ऐसी भट्टी कराई है जिसके लिए शब्द नहीं है, शब्द कितने भी हों वो कम हो जाएंगे। तो अभी वो समय आ गया है जब अपने ब्राह्मण परिवार की ओर से, हम जानते हैं आप सबका बहुत बहुत योगदान है, कोई भी कार्यक्रम छोटे से लेकर के बड़ा तक, चाहे वो मधुबन घर में हो, चाहे बाबा के घर लालगंज में हो, सभी भाई बहनों का अतुलनीय योगदान रहता है। न सिर्फ दीदियों का, प्यारे बाप दादा तो है ही है साथ ही, न सिर्फ दीदियों का बल्कि आगे से लेके स्टेज के फ्रंट से स्टेज के सबसे पीछे बैठी हुई आत्मा का भी योगदान है। कहते राम काज में गिलहरी का भी योगदान लिखा जाता है, गायन किया जाता है। तो ऐसे हम सभी आत्माओं का इस राजयोग भट्टी को सफल बनाने में बहुत बहुत योगदान है और सभी की ओर से हम सबका यह कर्तव्य बनता है कि हम भाई जी को अपना सम्मान स्वरूप अपनी भावना को व्यक्त करेंगे। तो अभी हमारी ये दीदी जी जो अलका दीदी जी हैं, वो उनका एक भावना है कि एक परंपरा भी है कि हम अतिथि देवो भव के देश में रहते हैं और इस समय तो चैतन्य देवी देवता हम सब बनी रहे हैं, वो संस्कार सीखना है, वो परंपरा को पर निर्वहन करना है। तो उस निर्वहन में हमारी दीदी जी से अनुरोध है कि वो दो शब्द कहें और उसके बाद भाई जी का सौगात का कार्यक्रम रखा है दीदी जी ने और हम सब उसमें सहभागी होंगे। ओम शांति। आप सभी का स्नेह प्यार बहुत ही ज्यादा मिला। मैंने कहा लालगंज में सभी हम प्रभु के लाल हैं, मैंने गाना भी लिखा, हम प्रभु के लाल हैं, करते बड़े कमाल हैं। तो सचमुच अखिलेश भाई का त्याग तपस्या मैंने धीरे धीरे सारी बातें सुनी और बिना तपस्या से कोई फल नहीं मिलता है। और बाबा के घर में भी कदम रखना, जीवन को बनाना, जीवन देना, आंतरिक भाव से वो त्याग तपस्या आनी चाहिए। और आपने जो इतना समय घर गृहस्थ में रह के इतनी सेवाएं कर रहे हैं और तपस्या कर रहे हैं, आप जो बातें सीखी, बाबा ने जो सिखाया, रमेश भाई तो श्री निमित्त है, इसलिए हमें इन दोनों फरिश्तों और आप सबको, आप नहीं होते तो भट्टी कहाँ होती। पूरी छोटी छोटी बहनें भी इतने प्यार, इतनी सेवा, स्नेह, पूरा ध्यान रख रहे हैं। भाई सब क्या चाहिए, पानी जी, चाय जी, समय से पहले आके पहुंचा दे तो कितनी अच्छा सबको। और राकेश भाई को आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और दूसरी बात है, हम सब एक परिवार के हैं, हम सब एक परिवार, बिछड़ गए कब से, वैसे सत्यम से बिछड़ते गए, धीरे धीरे अलग अलग होते गए, लेकिन द्वापर से पूरा बिछड़ गए है ना। तो बिछड़ गए डायरेक्टर ने लाके हमें मिला दिया। अब समझ लो आपके परिवार में कोई बिछड़ गया हो और आके मिल रहा हो 5 साल के बाद, 10 साल के, 500 साल के बाद या 5000 साल के बाद, कितनी खुशी होगी। तो आप सभी से मिलके भी हमारी प्यारी प्यारी मीठी मीठी सरस्वती बहन, नानू रदा बहन और सब भाई बहनों का स्नेह और प्यार मिलते बहुत खुशी होती है। मैं तो सारे भारत में क्या विश्व में घूम रहा हूँ, लेकिन जब ब्राह्मण परिवार की आत्माओं से मिलता, अभी हम गए थे बड़े बड़े देशों में तो वहाँ घूमे लेकिन मजा नहीं आ रहा था, लेकिन जब ब्राह्मण परिवार में आके, भले वो विदेश में एक सेंटर में थोड़े थोड़े भाई होते हैं, उनकी क्लास कराते थे, इतना मजा आ रहा था कि यही सचमुच आनंदमय जीवन है। बाकी दुनिया में कितना कुछ बड़ी बड़ी चीज देख लो, लेकिन जब अतीन्द्रिय सुख है परिवार के अंदर मिलता है, वो आप सबसे मिला। बहुत 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 थैंक्स।
जोरदार। सभी प्यार से बोलेंगे, बंदूक तान के रखेंगे, ओम शांति, ओम शांति। सबसे पहले परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु शिव बाबा का कोटि कोटि धन्यवाद दिल से। दूसरा, हमारी आई हुई बहनों का साधन ना होते हुए भी, ट्रेनें इस समय नहीं चल रही हैं, लेकिन हमारी बस बहनें कष्ट सह के बस की यात्रा करके आई, बहनों का दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और लाखों लाखों धन्यवाद हमारे भ्राता रमेश भाई का, जो एक बुलावे पर, एक निमंत्रण पर, साधारण से फोन करने पर हमारे सेंटर पर आ गए। अब छोटा सा सेंटर नहीं कहेंगे, अब ये बड़ा सेंटर हो गया है, क्योंकि बड़ी महान हस्तियां वहीं पे जाती हैं जहां पे बड़ा स्थान होता है। ये छोटा सेंटर लग रहा है क्योंकि भाई जी ने कहा है कि जैसे हमारा एक्शन होगा, एक्शन का रिएक्शन होगा, तो अच्छा बोलना है तो छोटा नहीं बड़ा है ना। तो पॉजिटिविटी से शुरुआत करते हैं कि हमारा सेंटर बहुत बड़ा है, और क्योंकि इतनी बड़ी महान हस्ती आ गए हैं जो कि 27 वर्षों से त्याग तपस्या में लगे हुए हैं, विश्व की सेवा में लगे हुए हैं, इसलिए महान हस्ती आई, महान स्थान बन गया, बड़ा स्थान बन गया। दूसरा ये कि 3 दिन से हम सब तपस्या कर रहे हैं, सभी का अपना अपना अलग अनुभव है, सभी की टचिंग बाबा अलग अलग कराता है, क्योंकि वो सर्जन है, सबकी नसों को देख के, नब्ज को पकड़ करके दवा देता है। तो जाहिर सी बात है कि सभी का अनुभव अलग अलग होगा। मैं 12 वर्ष से समर्पित जीवन जी रही हूँ, और 12 वर्षों से मैं भट्टी में मधुबन जाती हूँ, और मधुबन में भी हम बहनों को एक्शन कराया जाता है, जैसे दाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो, बैठो, बहनों से सेकंड करो, हाथ मिला के भट्टी करो, मुस्कुरा के करो, आपस में बहने दृष्टि लो, तो ये सब एक्शन हम करते थे और उसका अभ्यास भी करते थे। लेकिन मुख्य बात इन 3 दिनों में जो मैंने अनुभव किया पर्सनली, जो बाबा ने अनुभव कराया भाई जी को निमित्त बना के, वो ये कि 7 स्वरूप फरिश्ता के, 7 रूप, ये नया पॉइंट हमें 12 वर्ष समर्पित जीवन में मिला। ऐसे तो मैं 15 वर्षों से ज्ञान कर रही हूँ, लेकिन जो समर्पित जीवन जी रही हूँ वो 12 वर्षों से। तो 12 वर्षों में जो नया पॉइंट हमें भाई जी ने दिया, 7 फरिश्ते रूप आपके होते हैं। मैं 12 वर्षों से 2 फरिश्ता रूप का अनुभव करा रही थी, अनुभव खुद कर रही थी, ये अपना व्यक्तिगत अनुभव मैं आप सबके बीच में रख रही हूँ, बांट रही हूँ। पहला फरिश्ता रूप मैं सूक्ष्म वतन में करती थी, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा कंबाइंड रूप, ब्रह्मा का संपूर्ण फरिश्ता रूप, संपूर्ण में सारी शक्तियाँ ब्रह्मा बाबा में समाहित है, चाहे आप उसे पवित्रता की लो, चाहे क्या कहते गुणों की लो, चाहे शक्तियों की लो, चाहे प्रेम की लो, वो संपूर्ण शक्ति संपन्न है फरिश्ता रूप ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्मतल में। तो मैं भी सूक्ष्मतल में जाती थी और बाबा को संपूर्ण रूप में देखती थी और अपने सूक्ष्म रूप को क्रिएट करती थी, यानी इमर्ज करती थी कि बाप समान, जैसे बाबा कहता है बाप समान बनो, तो मैं बाप समान अपना रूप इमर्ज करती थी और वही जो बाबा संपूर्ण शक्तियों से संपन्न है, वो शक्तियाँ मैं बाबा की आंखों से, बाबा के हाथों से अपने अंदर एब्जर्व करती थी, यानी बाबा से लेती थी। उसके बाद मैं अपने सेंटर पर आती थी, हॉल पे, संदली पे, और मैं देखती थी कि वही संपन्न मेरा फरिश्ता रूप संदली पे है, और मैं भाई
उसी रूप में सकास और दृष्टि देती थी। तो मैं इस तरह से दो फरिश्ता समूह का अनुभव करती थी। तो अभी मुझे कितने मिल गए? 5, क्योंकि दो तो मैं करती थी, लेकिन इस 3 दिनों में मुझे 5 फरिश्ता और मिल गए। पहला जैसे बताया भाई जी ने कि हम सूक्ष्मतन में हैं, दूसरा कहाँ बताया, याद है किसी को? विश्व ग्लोब पर। तीसरा बताया मेरे शरीर के साथ सेंटर पर। चौथा बताया मेरे शरीर के साथ। तो इस तरह से, तो जब जिस दिन भाई जी ने 7 फरिश्ते का अनुभव कराया, हम बहनें रूम पे बातें कर रहे थे, तीनों बहनें। तो बातें करते करते मैं इन्हीं बातों करते करते मैं सो गई, ठीक है ना। और जब भाई जी फरिश्ता स्वरूप का ये अनुभव करा रहे थे 7 रूप का, चूक समय ले रही हूँ, विस्तार से बता रही हूँ जो मैंने व्यक्तिगत अनुभव किया, क्योंकि अनुभव स्पष्ट करने से जो आप लोग नहीं कर पाए, हो सकता है स्पष्ट सुनने से आप लोग दोबारा कर सको। तो जब भाई जी ये फरिश्ता स्वरूप का 7 का अनुभव करा रहे थे, उस समय मेरे मन में एक दृश्य और आ रहा था। जैसे भाई जी ने बताया ना कि परमधाम गए, फिर मच्छर काटे तो नीचे आ गए, फिर सब्जी बनानी है, फिर परमधाम गए तो नीचे आ गए, सब्जी बनानी है, ऐसे। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ, लेकिन पॉजिटिविटी हुई। क्या पॉजिटिविटी? जब भाई जी 7 फरिश्तों का अनुभव करा रहे थे, उस समय मेरे एक अलग सीन चल रहा था दिमाग में, दोनों सीन चल रहे थे। पहला कि 7 स्वरूपों का मैं अनुभव कर रही हूँ, दूसरा सीन मेरे सामने ये चल रहा था कि जब गोपिकाएं रास करती थी तो हर गोपिका के पास में कृष्ण था, राधा के पास में भी, और जो राधा की जो सखियां थी उनके पास में भी कृष्ण होते थे। वो वृंदावन में भी है, वो मथुरा में भी है, वो गोकुल में भी है, सभी जगह पे कृष्ण है। तो वो सभी जगह कैसे हो सकता है? तो ये भी दृश्य मेरे सामने आ रहा था और फरिश्ता का भी आ रहा था, मेरे को बहुत विचित्र। तो जैसे जो भाई जी ने स्पष्ट कराया फरिश्ते का, क्योंकि बाबा कहते हैं कि सारी दुनिया में समूचा विनाश तो नहीं होगा लेकिन परिवर्तन होगा, तो उस समय हमारा स्थूल कार्य नहीं करेगा। और मन में बाबा भी दादी के तन में आना बंद कर देंगे, साकार विलय बाबा से कुछ दिनों में नहीं होने वाला है, तो हम कैसे मिलेंगे। और दूसरा कि जन्म भी हो जाएगा ब्रह्मा बाबा का कृष्ण रूप में, इसी संगम युग में जन्म भी हो जाएगा। देखो, जन्म भी होगा और ब्रह्मा बाबा फरिश्ते रूप में हमसे मिलेगा भी, परमधाम में मिलेगा, उस समय ब्रह्मा बाबा ही हमारा साथी बनेगा और धर्मराज का रोल भी प्ले करेंगे और है एक। तो इतने सारे रोल कैसे वो कैसे निभाएगा? ये सूक्ष्म शरीर के द्वारा कि हम संकल्प करेंगे कि हम पूरे विश्व में है फरिश्ते रूप में, इतने सारे रूप जैसे भाई जी ने कहा फिक्स कर दो, एक आपके लौकिक घर में है, एक आपका मधुबन में दे रहा है, एक आपके सेंटर पे दे रहा है, एक सूक्ष्मतल पे दे रहा है और एक विश्व के ग्लोब पर दे रहा है। मैं हूँ अकेली, लेकिन हमने इतने सारे फरिश्ते अपने सूक्ष्म शरीर को पूरी पृथ्वी पर क्या कर दिया है, बैठा दिया है ना? तो ये फायदा। तो मैं वो मेरे सीन चलता रहा और बहुत अच्छी नींद आई, इसी मगन में सोई, और तब से वो चलते रहते हैं, 7 फरिश्ते साथ साथ में चलते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि जब बाबा कृष्ण रूप में जन्म ले लेगा, सूक्ष्म रूप में फरिश्ते रूप में भी सेवा करेगा, यानी डबल रूप, स्थूल रूप में जन्म भी ले चुका है, फरिश्ते रूप में हम सब बच्चों का साथी भी बना हुआ है, समस्याओं का निदान भी कर रहा है, जो कि हम सब बच्चे अभी फरिश्ते रूप में सूक्ष्म रूप से ही हमारा बाबा से मिलन होगा। इसके लिए ये अभ्यास बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि साकार मिलन कुछ दिनों में नहीं होगा। तो सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही हमें बाबा से मिलना है और इसका हमें अभ्यास करना है। और एक बात और मिस हो गई, बहुत अच्छी बात थी, बाबा मेरे साथ है, वो तो है हमेशा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा,
मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। तो इस तरह से तो ये बहुत अच्छा नया पुरुषार्थ करने को मिला। भट्टी करते थे, भट्टी पुरुषार्थ में तीव्रता आ गई और बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत नम्रता से, बहुत सरल भाषा में भाई जी ने हम सबको सिखाया है। तो ये सारी में एक पॉइंट मिस हो रहा है, वो भी बहुत अच्छा है। अनुभव की हर शाम को याद आया तो सुनाऊंगी, ठीक है। और क्या सुनाऊं, भाई जी ने इतना सारा सुनाया है। दिल से दुआ यही निकलती है कि हम सब यूं ही मिलते रहें, संगम युग चलता रहे और हम सब आपस में यूं ही रास लीला करते रहें, संगम का आनंद लेते रहें। बाबा कहते मस्ती में रहो, मौज में रहो। तो ये चीजें ठीक है ना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।